भारत में कुछ समय पहले Realme ने प्रीमियम फीचर्स से फुल्ली लोडेड अपने फ्लैगशिप किलर Realme GT को लॉन्च किया। ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया लुक के साथ आता है। कई दिनों तक हमने इस फ़ोन को इस्तेमाल किया और फ़ोन के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा, ये फ़ोन डेली यूज़ में कैसा है, आज इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं। हेलो गाइस, दिस इज तरुण और आज हम इस वीडियो में फ़ोन का रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियोज़ लेकर आएँ आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Realme GT की प्राइसिंग के बारे में, Realme GT की शुरुआती कीमत 37,999 रुपीज़ है। ये दाम फ़ोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फ़ोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपीज़ है। आइए अब बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन के राइट हैंड साइड में पावर बटन दिया गया है, वहीं फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन्स और सिम कार्ड ट्रे दी गई है। एक बात जो आपको यहाँ पर निराश करेगी वो ये है कि एक ही टाइम पे आप या तो दो सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो एक सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन के निचले हिस्से में 3.5 mm का हेडफोन जैक, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मौजूद है। फ़ोन के निचले हिस्से में दिया स्पीकर और फ्रंट साइड में ईयरपीस, दोनों से ही आवाज़ जो है काफ़ी तेज़ और क्लियर आती है। फ़ोन के बैक पैनल की अगर मैं बात करूं तो फ़ोन का बैक लेदर फिनिश के साथ आता है, मगर कैमरा मॉड्यूल के जो ठीक नीचे ये ब्लैक स्ट्राइप दी गई है, इस पर स्मजेस या कह लीजिए कि फिंगरप्रिंट के जो निशान है वो काफ़ी ईजिली पड़ जाते हैं गाइस। फ़ोन का हाथ में पकड़ने पर काफ़ी अच्छा मतलब प्रीमियम लुक देता है और फ़ोन हाथ में ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है, फ़ोन की ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है। मगर एक बात जो आपको थोड़े यहाँ पे नोटिस आप करेंगे कि फ़ोन का वज़न मतलब फ़ोन आपको हल्का भारी लग सकता है, क्योंकि फ़ोन का जो वज़न है वो 186.5 ग्राम्स है। फ़ोन के डिज़ाइन की बात तो गाइज हो गई, अब फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में हम बात कर लेते हैं कि फ़ोन का डिस्प्ले आपके कैसा है। फ़ोन 6.43 इंच फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फ़ोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। आप चाहें तो अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज या ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बट जितना आप हाई रिफ्रेश रेट रखेंगे उतना आपके फ़ोन की बैटरी खपत काफ़ी बढ़ जाएगी। ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन में फ़ोन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट को चूज़ करता है। फ़ोन 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, यानी कि आउटडोर में अगर आप कोई भी कंटेंट फ़ोन की स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फ़ोन जो है 3360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है, यानी कि गेमिंग के दौरान आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फ़ोन के डिस्प्ले पे बिंज वॉचिंग करना हो या गेमिंग करना हो, फ़ोन पर कलर्स जो हैं काफ़ी अच्छे से नज़र आते हैं और हमारा फ़ोन के साथ रिव्यू के दौरान व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बढ़िया रहा। फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो बात हो गई गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ोन का प्रोसेसर कैसा है। ये फ्लैगशिप किलर Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आता है और तगड़े प्रोसेसर के साथ इतनी ज़्यादा रैम का ये कॉम्बो फ़ोन को कहीं भी धीमा नहीं होने देता है। हम जब अब बात हो रही है फ़ोन के प्रोसेसर की, तो आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि फ़ोन के साथ हमारा गेमिंग अनुभव कैसा रहा। कई दिनों तक हमने फ़ोन को इस्तेमाल किया और हर रोज़ 30 मिनट तक फ़ोन में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को खेल कर देखा और कहीं भी हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ हमारा कि फ़ोन मतलब इस 30 मिनट के सेशन में कहीं भी लैग किया हो या फ्रेम ड्रॉप हुए हो, और ना ही फ़ोन का इतना 30 मिनट हाई इंटेंसिव मतलब गेमिंग के बाद भी फ़ोन का रियर पैनल जो है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता गाइस। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फ़ोन के साथ इस फ्लैगशिप किलर के साथ हमारा जो अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा था। बात कर लेते हैं हम फ़ोन के बैटरी के बारे में। यहाँ एक बात जो आप लोगों को थोड़ी निराश कर सकती है वो ये है कि फ़ोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है। अगर कंपनी अपने इस फ्लैगशिप किलर में 5000 mAh या इससे ज़्यादा क्षमता की बैटरी देती तो वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो जाता, लेकिन खैर कोई नहीं, 4500 mAh की बैटरी भी पूरा दिन साथ निभाती है। हमने रिव्यू के दौरान Amazon Prime पर HD में वेब सीरीज़ देखना, मूवी देखना, फ़ोन में नेविगेशन, कैमरा, सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग बहुत कुछ किया और एट द एंड ऑफ द डे हमारे फ़ोन में 15-20% बैटरी स्टिल बची हुई थी। फ़ोन के साथ मिलने वाला 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर फ़ोन
कि बैटरी को बहुत ही तेजी से चार्ज कर देता है, यानी कि आपको फ़ोन की बैटरी चार्ज होने के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हमें फ़ोन की बैटरी ने संतुष्ट किया। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन के बैक पैनल पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर यहाँ पर दिया गया है। फ़ोन का कैमरा काफ़ी स्टनिंग है गाइज, और इसके अलावा आपको फ़ोन के कैमरा ऐप में नाइट मोड, वीडियो, फ़ोटो, पोर्ट्रेट, 64 MP कैमरा और ड्यूअल व्यू मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, मूवी एक्सपर्ट, पैनो, टेक्स्ट स्कैनर और अल्ट्रा मैक्रो जैसे यहाँ पे कैमरा मोड्स देखने को मिलेंगे। फ़ोन का सेल्फी कैमरा भी गाइस काफ़ी स्टनिंग है और जो काफ़ी अच्छी और स्टनिंग पिक्चर्स यहाँ देते हैं और आप जिन्हें सोशल मीडिया पे गाइस शेयर कर सकते हैं। अगर ओवरऑल कैमरा रेटिंग की मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 5 मैं इसे 4.5 नंबर ज़रूर दूंगा। कुल मिलाकर अगर मैं इस Realme GT फ्लैगशिप किलर की बात करूं तो फ़ोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी लाइफ ने हमें संतुष्ट किया। कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं लगी जिसने हमें निराश किया हो। आज हमने आपको Realme GT के बारे में डिटेल जानकारी दी। अगर गाइज आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और देखते रहिए नव भारत टाइम्स। थैंक यू सो मच।